शर्मा गायत्री महामंत्र प्रार्थना करेशु। हे प्रभु, हे विश्वनाथ स्वामी, हे प्राण रक्षक, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हमारा अंतःकरण मां अपना ब्रह्म तेज ने धारण करिए, जन्म जन्मांतर ना पापो थी हमने मुक्त करी, हम सौने शरणार्थ तरफ प्रेरित करो। ये भी मंगलकारी भावना साथे एक साथ ही एक स्वर मां गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गायत्री छन्दश्यामात योनिर्नमोऽस्तु ते। ॐ यथा सूर्यस्य शक्तिस्तु श्रीरामे विद्यते न सर्वशक्तिस्वरूपातां माता भगवती नमः। माता भगवती वह शक्ति हमें दो दयानी कर्तव्य मार्ग पर सेवक बन संसार
अशतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखदा प्रणवो सावित्री सदा स्वाहा पूरण का ओर भुव महाप्रीत ओम गायत्री शमदान
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मोक्षीयमामृता। गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की विश्व वंदनीय माता जी की पूज्य दादा गुरुदेव की यज्ञ नारायण भगवान की श्री वेद नारायण भगवान की श्री सूर्य नारायण भगवान की आज की आनंद की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दीक्षात परमात्मा का स्मरण ध्यान प्रार्थना करेंगे हम सभी के भीतर में। प्रभु की वह परम चैतन्य शक्ति विद्यमान हो रही है, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध भाव पवित्र भाव से निर्मलता को प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य भावनाओं के साथ प्रभु का स्मरण। यत् सत्येन जगत् सत्यम् यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरवे भगवत्याः जगन्मातु श्रीरामश्च जगद्गुरु चरणारविन्दे वन्दे श्रद्धा प्रज्ञास्वरूपयो सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने व्यये या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्नीय माता जी थोड़ा आगे जाओ। माँ गायत्री ना पावन सानिध्य माँ आज हमारा नीलकंठ भाई ना ध्यान भूली जाए यहाँ पर हमारे परम स्नेही आत्मीय नीलकंठ भाई के घर सत्संग के माध्यम से हम एकत्रित हुए प्रभु की सदगुरु की वह परम चेतना परम शक्ति हम सभी को प्राप्त हो जाए इस भाव से
उनकी कृपा को आत्मसात करने के लिए हम बैठे हैं। वास्तव में भक्ति, ज्ञान और कर्म हमारे जीवन में ये तीन बाबत ऐसी होती है कि जिसको जो प्राप्त कर लेता है उनके जीवन में, चाहे संसार में किसी भी स्थिति परिस्थिति जो भी हो, लेकिन वो अपने आप में स्थित रहता है। वही स्थिति को धारण करने के लिए, वही स्थिति को प्राप्त करने के लिए आज दुनिया भर के लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। कोई यहाँ जाता है, कोई वहां जाता है, कहां से मुझे मिल जाए, क्या खोज रहा है? शांति, सुख और शांति, शांति की खोज, सुख की खोज। वास्तव में सुख प्राप्त करने के लिए वो निकलता है, चाहता है कि मैं बड़ा मकान बना लूं तो मुझे सुख मिलेगा, चाहता है कि मैं थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लूं तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन दुनिया में हर एक व्यक्ति उसके पीछे दौड़ लगाता है, लगातार अपना जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकता। कितनी सारी संपत्ति भी एकत्रित कर ली, कितना बड़ा मकान भी बना लिया, कितना कुछ कर लिया, फिर भी वो नहीं प्राप्त कर सकता है। तो जिसको प्राप्त करने के लिए वो दौड़ रहा था, वो है कहाँ जो नहीं मिला? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, वह सुख और वह शांति अपने भीतर में है, और जिनको पाने के लिए वो बाहर खोज रहा है, बाहर दौड़ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे ढूंढ माहे जग माही। भीतर में ही वो स्थित है, वह चेतना, वह शक्ति, कि जिनको हम ढूंढने के लिए बाहर प्रयास कर रहे हैं। देखना कि कई बार हमने देखा है कि आनंद मिले, शांति मिले, सुख मिले, इसके लिए वो अपने घर में भी नई नई चीज लाता है कि चलो मुझे आनंद मिलेगा, इससे उसको देख के मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। कई सारी चीज बाहर से वो अपने घर में ले आते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, शांति, सुख, आनंद। लेकिन अपने घर में लाई हुई कोई भी चीज, अगर कोई साधारण सी चीज है, नए हमने कोई कप खरीद लिया जिसको लाकर हमने सोचा कि अब नए मेहमान आएंगे तो उसमें हम चाय पिलाएंगे, है? एक सिंपल एग्जांपल, वो चाय पिलाएंगे इतने महंगे और इतने बहुत उसको बहुत पसंद आया था, बहुत मन कर रहा था कि मैं किसको बुलाऊं और किसको इसमें चाय पिलाऊं। अपने बहुत नजदीक का जो दोस्त था उसको बुलाया, लेकिन दोस्त के घर भी कुछ मेहमान आए थे, वो अपने मेहमान को भी साथ लेके आया। मेहमान को तो साथ लेके आया, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। आपको मालूम है कि बच्चे तो कितने शरारती होते हैं, और उसको लेके तो आए, चाय तो बनाई, चाय टेबल पे रखी, नए कप थे, लेकिन बच्चे इतने शरारती धमाल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो चाय तो पिलाने के लिए वो बहन जी बोल रही है अपने जो संबंधी आए उसको कि चाय पी लो, बहुत बढ़िया बनी है, आज ही हमने ये नए कप भी, उसका भी उद्घाटन हो रहा है। लेकिन जैसे शरारती बच्चों को देखा तो उसका मन अब इसमें लगेगा कि वो चाय पिए कि ना पिए, लेकिन वो कप ना तोड़ दे, वो टूट ना जाए, मन उसमें लगता है। आनंद उसमें नहीं रहा है कि चाय पिलाने में, आनंद बिखर गया, आनंद नाश हो गया, अब तो ये चिंता लगी रहती है कि वो टूट ना जाए। तो दुनिया की हर एक चीज, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज ऐसी है कि हमें आनंद और सुख नहीं देने वाली है, वास्तव में तो हमें दुख ही देने वाला है, चिंता ही देने वाला है। कोई भी चीज लो, कोई भी वस्तु लो, तो संसार की वस्तु में भी सुख नहीं है और संसार की वस्तु में भी आनंद
नहीं है। तो वह आनंद कहाँ है जो हमारे भीतर में है? वह भीतर में छुपा हुआ वह आनंद, वह शांति, वह सुख जिनको हमें बाहर निकालना है, और बाहर निकालना हम नहीं जानते हैं, इसलिए बाहर की चीज से हम सुख में प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वह भीतर में छिपा हुआ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम याद करते हैं। उसको संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया, अनुभव सिद्ध महान पुरुषों ने बताया कि उसको अंदर से हम याद करें, भीतर से हम याद करें, दिल से हम याद करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा अपने भीतर में बैठा है। एक बार जब बहुत सारी भीड़ की दौड़ चल रही थी, दौड़ रहे थे सब, उस भीड़ दौड़ रही थी उसके पीछे एक बहुत बुजुर्ग जो था वो अपनी टीका लकड़ी लेकर धीरे धीरे चल रहा था। एक छोटे से बालक ने पूछा कि दादा ये सब कहाँ दौड़ रहे हैं? तो दादा ने बताया कि बेटा वो दौड़ लगा रहे हैं जिसको ढूंढने के लिए वो मैं हूँ और मैं सबके पीछे। दौड़ तो इतनी चल रही है, सबकी दौड़ चल रही है, कहाँ जाए, क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए, दौड़ रहे हैं। लेकिन हमारे अध्यारू जी महाराज भी कहते हैं कि अधमा अधम, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया गया कि अधमा अधम तीर्थ यात्रा, जो हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं, हमारी जो दौड़ है, मतलब कि वो दौड़ से भी हमें नहीं मिलने वाला है जो है हमारे भीतर में बैठा है। क्यों हमारे भीतर में बैठा है? श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि जो हमारे बहुत नजदीक है ना वो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारे बहुत नजदीक है वो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे आंख की पुतली, जैसे आंख की पुतली जिससे हम दुनिया देख रहे हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत नजदीक है। जो हमें संसार दिखाता है वो उसको हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे नजदीक है। वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर में है, इतने नजदीक है कहने का मतलब, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारे इतने नजदीक है, इतने सूक्ष्म है जो हम नहीं देख सकते, उसको देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। जिसको हम देख नहीं सकते उसका अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि आंख को हम देख नहीं सकते लेकिन आंख का अनुभव कर सकते हैं, उसके अनुभव से हम कितना कुछ देख सकते हैं, वैसे ही परमात्मा को अनुभव से हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कितना कुछ ले सकते हैं, हम अनुभव भी उससे कर सकते हैं, उतना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे प्रभु परमात्मा क्यों हमसे इतना दूर हो गया, मतलब कि इतना नजदीक भी है और इतना दूर भी है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? हमारे भीतर में है, हम क्यों क्यों नहीं जानते हैं और क्यों हम पत्थरों में उसको ढूंढते हैं? गुजराती में अपना अखा खरा ने कवि अखो यानी कहे कि पत्थर पूंजे प्रभु मिले। बधा लोगों ने भीड़ ने जोई दुनिया में, मंदिरों में इतना बधा ने જોયા ગાડા ની જેમ, ત્યારે અખાને આ બધી ભીડ ને જોઈને કેવાનું મન થયું કે પથ્થર પૂજે પ્રભુ મિલે તો મે પૂજું પહાડ, તો હું પહાડ ને પૂજવા માંડું જો ભગવાન મળી જતા હોય તો। इससे तो चक्की भली जो पीसकर आटा खाए, पत्थर ની છે ને ચક્કી, એનાથી તો એ સારી કહેવાય કે એને ફેરવીએ તો આપણને લોટ તો મળે, કોઈનું પેટ તો ભરાય। કહેવાનો મતલબ હતો એ દીર્ઘ દ્રષ્ટાઓનો के कहने का मतलब था, उन मनस्थिति जो जिनकी ऊपर थी, जो मनीषी कहलाते हैं, वो ये बताते हैं कि ऐसे पत्थरों को पूजने से हमें प्रभु नहीं मिलने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए बताया कि बेटा मानव में दिवत्व का उदय और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण यही प्रभु का आदेश है, यही प्रभु का संदेश है। तो प्रभु कहाँ है? हमारे भीतर में, बस उस भीतर में छिपे हुए प्रभु को हमें जगाना है, उसको हमें बाहर निकालना है। भगवान अगर बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? भगवान हमारे भीतर में क्यों है, इसकी एक बात बताई गई कि जब नारद जी का काम क्या है? नारायण 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 का स्मरण करना और पूरे संसार में घूमते रहना, जो भी असमंजस में पड़ा है उसको राह दिखाना, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। वह नारद जी
संसार के ऐसे दुखी लोगों को देखकर और मंदिरों में भीड़ देखकर भगवान के पास गए उनका समाधान लेने के लिए। भगवान के पास गए और भगवान को कहा कि भगवान का स्मरण किया, वैकुंठ लोक में गए नारद जी। मंगलम भगवान विष्णुम मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। और भगवान को पूछा कि प्रभु आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्या बात है? पूरे संसार को चलाते हो तो क्या आपको संसार की चलाने की कोई स्थिति में गड़बड़ हो गई क्या? तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि दुनिया की भीड़ मुझे जहां मैं बैठता हूं वहां पकड़ लेते हैं। हमने क्या किया, भगवान कहां मिलेंगे तो हरिद्वार चलो हरिद्वार में मिलेगा, तो लोग दौड़ दौड़ के हरिद्वार में पहुंच गए। वैसे तो हरिद्वार में दुनिया में पहले के समय में हमने सुना था कि अपनी लाइफ में व्यक्ति एक ही बार हरिद्वार की यात्रा कर सकता था, अब क्या हो गया साल में दो दो बार भी लोग जाते हैं, मतलब कि हरिद्वार में इतनी भीड़ आने लगी। भगवान वहां से ऊपर उठे बद्रीनाथ में पहुंचे तो लोग वहां भी पहुंचे, चलो भाई चार धाम की यात्रा के लिए चलो है? बद्रीनाथ केदारनाथ, फिर भगवान उससे भी आगे गए अमरनाथ में पहुंच गए। तो भगवान कहा यहाँ भी शांति नहीं, यहाँ भी लोग आने लगे, कितने सारे स्वेटर जैकेट लगा के क्या क्या टट्टू पर बैठ के सब वहां भी आने लगे। तो भगवान ने सोचा कि हम सोच रहे हैं, भगवान कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाए, इससे कहाँ कैसे छुटकारा पाए, ये लोग जो है हमें शांति से भगवान स्मरण भी नहीं करने देते, हमारा ध्यान भी नहीं होता है, लोग आते हैं और हमें शांति से रहने नहीं देते, बैठने नहीं देते, अब क्या करें? नारद जी अब आप ही ढूंढो रास्ता कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार भगवान भक्त से, भक्त को ऊपर उठाने के लिए भक्त से कुछ पूछते हैं, भक्त ऐसा मानते हैं कि देखो भगवान को भी हमने कुछ सलाह दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैसे तो प्रभु अपनी इच्छा से सब कुछ करता है, लेकिन कई कई बार भक्त ऐसा आ जाता है और मस्ती में प्रभु भी आ जाते हैं, तो भगवान भक्त को श्रेय देना चाहते हैं और इसलिए भगवान भक्त से कुछ काम करवा देते हैं और कुछ संदेश भी मांगते हैं। नारद जी से पूछ लिया कि अब बताइए नारद जी आप हम क्या करें, इस दुनिया के लोगों से हम कैसे छुटकारा पाए, इसका इतना सारा चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं, कीड़ी को कण हाथी को मण, जिसको जितना चाहिए उतना हम देते भी हैं, फिर भी हमें शांति नहीं लेने देते, कहाँ जाए? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु ऐसा करो, ये सब पड़े रहने दो, आप उसके भीतर में जाके बैठ जाओ, वो ढूंढता ही रहेगा और आपको कोई हैरानी परेशानी नहीं होगी। और भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, और फिर प्रभु सबके भीतर में आकर बैठ गए। अंतर के पटखोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। जब जो भी व्यक्ति अब सच्चे मन से उनको याद कर लेगा प्रभु उनको प्राप्त हो जाएंगे, वो अनुभव करेगा भगवान प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए उसके सामने खड़ा हो जाएगा, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम धनुष लेकर वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा, नहीं, जैसा समय होगा भगवान अनुभव से उसको मिलेगा, अनुभव करना पड़ेगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब वो सत्संग में बैठते थे, कितने सारे लोग उसके सामने आकर बैठते थे, ठाकुर को एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या भगवान की बात कर रहा है, देखा है तुमने भगवान को, भगवान ऐसा है भगवान वैसा है, भगवान की बात बोल रहा है, भगवान को देखा है? हाँ मैंने देखा है भगवान, बता भगवान कहाँ है? इतनी रुआब से वो बोलने लगा, उसको ऐसा लगता था कि मैं आज ये जो बैठकर बोल बोल करता है ना, मैं उसको सबके सामने उसकी धजिया उड़ा दू, इसलिए वो ऐसा गुमान में आकर बोल रहा था। तब ठाकुर ने देखा कि उसके भीतर में क्या चल रहा है, ठाकुर तो एक परमहंस था, वो तो अपने भीतर में क्या चल रहा है वो भी जान लेते थे। पत्थर उठाया और उसको पत्थर मारा, पत्थर जैसे मारा तो उसको लगा और लोही निकलने लगा, तो वहां से भाग गया, तो ऐसा है वैसा है, वो ऐसा वैसा अभद्र शब्द प्रयोग करने लगा और वहां से भागा, गया हॉस्पिटल।
टाका वाका लगवाया, मरामत करवाई, पट्टी लगाई। फिर दूसरे दिन ठाकुर वो जहाँ थे उसकी तपास करके वो दवा खाने में गए, हॉस्पिटल में गए और उसके पास जाकर पूछा कैसा है, तो इतना गुस्से में आ गया और एक तो पत्थर मारता है और वो पूछता है कि कैसा है, कितना दर्द हो रहा है मालूम है? तो ठाकुर ने कहा कि बता कितना दर्द है, कहाँ दर्द है, कैसा दर्द है, मुझे बता बता दर्द बता। तो वो कहने लगा दर्द कोई बताने की चीज थोड़ी है, वो तो अनुभव होता है दर्द कैसा होता है, जो जिसको लगता है उसको मालूम होता है। तो ठाकुर ने कहा बेटा मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान ऐसे थोड़ा दिखाई देते हैं, वो तो अनुभव की चीज है, अनुभव करना पड़ता है, जिसको अनुभव हो जाता है वो बता नहीं सकता, उसकी मस्ती में मस्त हो जाता है, वो उसमें रमण करने लगता है, भ्रमण करने लगता है, उसमें ही वो स्थित परम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तो ये स्थिति हो जाती थी कि जब उसको कोई उसके पास अगर कोई बैठता और कोई भगवान का एक नाम भी ले लेता ना तो उसको समाधि लग जाती थी। उसको एक एक बार भी नाम प्रभु का उनके कान से अगर सुन दिया, उसने सुन लिया तो भी वो समाधि में स्थित हो जाते थे। ऐसे वो परमहंस ऐसे थोड़े थे, वो परमहंस थे, भगवान की स्थिति का अनुभव होता है, लेकिन अनुभव करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमारे भीतर में क्या जगना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए। परमपूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा श्रद्धावान लगते ज्ञानम, सबसे पहले हमारे भीतर में श्रद्धा को जगानी पड़ती है, श्रद्धा, श्रद्धा का दीप अगर जल गया, श्रद्धा अगर हमारी जागृत हो गई तो हम प्रभु की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा कैसे जगे, प्रश्न एक से एक हमें आगे ले जाता है, एक से एक श्रद्धा कैसे जगे, क्यों सब में श्रद्धा नहीं जगती है। एक घर में 10 व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन 5 में से एक ही व्यक्ति ऐसा होगा कि भगवान के पास बैठता है, दिल से बैठता है, दीवा बत्ती दीवार जलाता है और प्रभु का नाम भाव से स्मरण करता है। दूसरे ही रूम में अपना ही घर का कोई व्यक्ति है, अपना ही रिलेटिव व्यक्ति है, फिर भी वो कान में वो लगा के चूमता है और सॉन्ग सुनता है। एक ही घर में एक स्थिति भिन्न भिन्न है, तीसरे रूम में कोई और मूड में होता है, चौथे रूम में कोई और मूड में होता है, एक ही घर में अलग अलग भिन्न भिन्न स्थिति अगर रहती है, कहने का मतलब है कि एक घर में रहने वाले व्यक्ति को भी भीतर में सबके भीतर में श्रद्धा जगे संभव नहीं है, संभव नहीं है कि सबके भीतर में ऐसी श्रद्धा जगे। कोई कहेगा कि अरे आप तो अपने आपके घर में इतना कुछ करते हो तो आपका घर में तो सबको कितना कुछ मिलता हुआ, नहीं, हर एक आत्मा का अलग बैलेंस शीट है, हर एक आत्मा की अलग अलग बैलेंस शीट है, इसलिए श्रद्धा सभी के भीतर में एक ही रूपांतर में जगे ये संभव नहीं है। जिसमें जग गई वो चलने लगेगा, जिसमें श्रद्धा का दीप चल गया वो वह प्रकाश के भीतर में लगा हुआ, वह प्रकाश के जो भी मार्ग दिखाएगा वो उसमें चलने लगेगा, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। वो प्रयत्न कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है कि जगा हुआ दीपक, अगर जला हुआ दीपक है तो 1000 दीपक जला सकते हैं, जला हुआ दीपक है तो 1000 दीपक जला सकते हैं, लेकिन बुझा हुआ लाखों दीपक है किसी को नहीं जला सकेगा, बुझा हुआ लाखों दीपक है वो किसी को नहीं जला सकेगा। हम अपने घर में जला हुआ दीपक की तरह अपने भीतर में श्रद्धा का दीप जलता रखेंगे, जला हुआ दीपक की तरह हम अपना दीप श्रद्धा का दीप जलता हुआ रखेंगे, जिससे एक ना एक दिन, अगर जला हुआ दीप है तो एक ना एक दिन उसकी प्रकाश की रोशनी से घर के कई सारे व्यक्ति अंधकार में नहीं भटकेंगे, वह जलता हुआ दीपक एक ना एक दिन घर के सारे व्यक्तियों को भी इस लालटेन की तरह है,
है ना, लाल लैंप की तरह है, उस प्रकाश के राह तरफ, श्रद्धा के राह तरफ, भक्ति के राह, परमार्थ के राह, सेवा के राह तरफ उसको चलाएगा चलाएगा चलाएगा। लेकिन घर में एक व्यक्ति भी जलता हुआ दीप की तरह होना चाहिए, एक व्यक्ति भी श्रद्धा का दीप अपने भीतर में जलाएगा। श्रद्धा जब बढ़ जाती है, श्रद्धा को प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, हमारी श्रद्धा कभी ना कभी डगमगती रहती है, डगी हुई रहती है। अरे श्रद्धा तो स्वयं श्रद्धा स्वरूप माँ भगवती सती भी डगी हुई थी, डगमग हो गई थी, है ना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो आभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धि शांत समिस्मरा। भगवान सदाशिव विश्वास के रूप में है, माँ सती श्रद्धा के रूप में है, स्वयं श्रद्धा का स्वरूप है सती, फिर भी वो श्रद्धा भटक चुकी थी। कब? कब? राम का दर्शन करना आया, राम की कथा, पहले तो राम की कथा सुनने को आया तो श्रद्धा डगी हुई थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो एक बार त्रेता युग माई शंभु गए जरूषि पाई राम सिया राम सिया राम भगवान राम की कथा सुनने के लिए स्वयं शिव और सती कहाँ रहते हैं? कैलाश। और कुंभज ऋषि कहाँ रहते हैं? समुद्र में, समुद्र के तट पे, मतलब कि बिल्कुल निचान की स्थिति में। कैलाश से नीचे उतरकर भगवान शिव और सती राम की कथा सुनने के लिए आते हैं। क्यों? क्या है राम की कथा में? राम की कथा में क्या है? हम सबको रामायण मालूम है कि राम दशरथ के पुत्र थे, ये थे वो थे, जंगल में गए, सीता जी को रावण ले गया, ये रामायण। लेकिन राम की कथा बहुत उदात्त श्रेष्ठ और महान चरित्र प्रभु राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। राम की कथा सुनने के लिए शिव जी सती के साथ गए, मतलब कहना क्या है, भगवान शिव का आदि गुरु भगवान शिव है, उनका मर्म क्या है, वो मर्म क्या बताते हैं कि यदि कथा सुनने जाए तो अकेले, मैं भी अकेला नहीं गया, शिव जी का कहना ये, मैं भी अकेला नहीं गया, संग सती जग जननी भवानी, संग सती के साथ गए, सती जी सती को लेकर गए। लेकिन जैसे सती और शिव कुंभज ऋषि के घर गए तो कुंभज ऋषि इतने भाव विभोर हो गए, इतने आनंद हर्षित हो गए कि शिव और सती मेरे आंगन, मेरे आंगन, और वो ऋषि उनके चरणों में लेट गए। वहीं पर श्रद्धा डगमग हो गई। सती ने सोचा कि अरे ये तो हमारे चरणों में लेट रहा है, अब ये क्या कथा सुनाएगा। इसलिए कहा गया कि कभी भी किसी के वेश को देखकर, किसी का शरीर देखकर, किसी का दृश्य देखकर कभी भी उसको वो कौन है कैसा है ये अनुमान हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर ये लगा दिया तो उसी समय ही हमारी श्रद्धा ठप हो जाएगी। श्रद्धा की लो सदैव ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमने अगर उसको अपने एंगल से देखने का प्रयत्न किया उसी समय में, उसी क्षण में हमारी श्रद्धा
फट कर बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी, डिगमग जाएगी। और इसलिए जब पूरी कथा भगवान शिव सुनते हैं लेकिन सती का ध्यान नहीं था, इसलिए जब प्रभु भगवान सदाशिव भगवान राम की कथा सुन के कुंभज ऋषि को भक्ति का दान देकर जब वहां से निकलते हैं और दंडकारण्य में जब भगवान राम अपनी लीला कर रहे थे और भगवान राम वहां भगवान राम को शिव जी ने देखा, जैसे जिनकी कथा सुनकर जिनके भीतर में राम 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 हो रहा था, वो राम को देखते हैं तो राम को पहचान जाते हैं। याद रखना कि कथा तो हमने बहुत सारी सुन ली, फिर भी हमारे आगे आगे अगर राम आ जाएगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? जैसे शिव ने कथा सुनी थी उसी तरह हमने कथा नहीं सुनी है, इसलिए राम को हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन शिव जी ने राम को पहचान लिया, इसलिए राम को नमन वंदन करते हुए वो तो राम नाम में मग्न हो गए। लेकिन सती सोचने लगी, अरे ये रोते हुए दोनों को देखकर ये मेरे स्वामी को क्या हो गया, कैसा पागल हो गया, उसको नमन वंदन कर रहा है और उसका क्या स्वामी ये क्या कर रहे हो। अरे सती, हम जिनकी कथा सुन के आए वही राम है। संशय ग्रस्त बुद्धि, संशय, जैसे श्रद्धा संशय में डूब जाती है तब हमें राम भी नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए कहने का मर्म ये है कि सती को भी राम नहीं दिखाई दिया और सती कहने लगी कि ये थोड़े राम है, स्वामी आपकी भूल हो रही है, राम नहीं है, राम है ये साबित करना उसने मन में नक्की कर लिया कि साबित करना पड़ेगा, मतलब कि परीक्षा लेनी पड़ेगी कि राम है कि नहीं है। लेकिन जिसने पहचान लिया था वो तो शांत चित्त से बैठ गया। विश्वास प्रगाढ़ है, विश्वास हमारा पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण खंडित विश्वास नहीं चलेगा। श्रद्धा हमारी हिलडुल सकती है लेकिन विश्वास हमारा पूर्ण रूप से होना चाहिए। जिसको हमने समर्पण किया है, कहने का मतलब है कि जिसको हमने समर्पण किया है उसके प्रति हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, उसके प्रति हमारा विश्वास कभी भी डगमगना नहीं चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अगर किसी ने हमें बोला कि अरे श्रद्धा साथ में थी विश्वास के साथ, वो श्रद्धा तो कहने लगी ये थोड़े राम हो सकते हैं, ये तो रो रहे हैं, ये तो पत्ते पत्ते को पूछ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, उसकी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अरे जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका वो कैसा राम हो सकता है, कैसे कैसे सवाल वो एक साथ झाड़ी बरसा देती है। लेकिन फिर भी विश्वास स्थित है। ऐसे ही जीवन में हमारे सामने कई सारे लोग आएंगे, कहेंगे अरे ये है, वो है, वो है, वो है, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए जिसके प्रति हमारा समर्पण है, जिसके प्रति हमारा समर्पण, जिसके प्रति हमारा लगाव है, जिसको हमारे अंतरात्मा ने पसंद कर लिया है उसके प्रति हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और श्रद्धा अगर हिलडुल सकती है तो उस श्रद्धा को हमें मालूम है आज विषय भी ऐसा आ गया, सब श्रद्धा का और रामचरितमानस का विषय छेड़ लिया, तो हमें मालूम है कि फिर वो श्रद्धा क्या करती है, परीक्षा लेती है, परीक्षा लेती है ना। और शिव जी ने कहा जो तुमरे मन अति संदेह हूं जो तो जाके परीक्षा ले हूं, जो तुमरे मन अति संदेह तो जाके परीक्षा ले और सती ने माना कि अब तो मुझे परीक्षा लेनी ही है। और श्रद्धा क्या करती है, परीक्षा लेती है ना। भगवान के साथ हम लेते हैं ना परीक्षा, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं तेरा इतना नाम लेता हूँ, तू मेरा काम करता है कि नहीं करता है। भगवान की तो हम हर बार परीक्षा लेते हैं, लेकिन भगवान जो है इतने दयालु जो कभी भी अपने पास नहीं इच्छता है कि मैं भी देखता हूँ तू मेरा कैसा भक्त है, कभी भी नहीं सोचा। भगवान तो सदैव दयालु है, करुणा निधान है, वो तो करुणा ही बरसाता है। अच्छा चल बेटा तू ये चाहता है तो मैं ये करता हूँ।
भगवान सदैव परीक्षा देते रहते हैं और हम जो है कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं और हर बार उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सती जाती है परीक्षा लेने के लिए, सोचती है कि कैसे परीक्षा लूं, हमें विषय मालूम है छह, और अंत में जब कुछ नहीं याद आया तो उसने सोचा कि क्यों ना वो जिसको खोज रहा है उसका ही स्वरूप ले लो, असली राम हो गए तो मुझे पहचान लेंगे। और श्रद्धा ने माँ का स्वरूप लिया, सीता जी का स्वरूप लिया, और जैसे सीता जी का स्वरूप लेकर सती प्रभु राम के सामने जाती है तब प्रभु राम ने सीता सती को पहचान लिया। भगवान ने सोचा कि अरे मेरी माँ आज मेरी परीक्षा ले रही है तो मैं भी उसको मेरा ऐश्वर्य का दर्शन थोड़ा करा लूं, और इसलिए प्रभु राम ने सती के पास जाकर पूछा कि माँ मेरे पिता नहीं आए। जैसे ही ऐसा पूछा तो सती एकदम ऐसी हो गई कि अब क्या करे, ये तो असली राम है, मुझे पहचान लिया, मैंने सीता का रूप लिया, फिर भी ये नहीं कहा। वैसे तो नकली होता तो कहते अरे सीता तो कहाँ चली गई थी, किस कितने दिन से ढूंढ रहा हूँ, खाया नहीं पिया नहीं, ये वो कितनी कुछ बात कर लेता, लेकिन ये तो मुझे पहचान, और सीता पूछ लिया मेरा पिता शंकर नहीं आए। अब सती सोचने लगी अब क्या करूं, ये तो असली राम है, अब क्या होगा, मेरा स्वामी ने तो उसको पहचान लिया था, अब मैं मुझे पूछेंगे कि तूने परीक्षा ली तो क्या किया, मैं क्या उत्तर दूंगी, मैंने अपने पति का कहा नहीं माना, अब क्या करूंगी। श्रद्धा अब इतनी संशयग्रस्त हो गई, अब वो भी सोचने लगी अब मैं क्या करूं। भगवान ने सोचा कि अब तो पूरा ऐश्वर्य का प्रभाव दिखाना ही पड़ेगा, और सती जिस रास्ते को जाने को निकलती है उस रास्ते के सामने से राम लक्ष्मण और जानकी को आते हुए देखती है, फिर रास्ता दूसरा ढूंढ लेती है, उसी रास्ते पे भी उसको देखती है, जिस रास्ता पसंद करती है उस रास्ते पर जैसे ही प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी को देखती है तब सती मस्तक पे हाथ रख के बैठ जाती है। जब हमारी श्रद्धा भी बहुत चारे और घूमने लगती है तब एक जगह स्थित होना जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। सती बैठ गई और हमको मालूम है कि निगी हुई श्रद्धा, हिलती चलती श्रद्धा स्थित न हो पाई तो उसको अपने शरीर का भी त्याग करना पड़ा और नया जन्म लेना पड़ा। सती को नया जन्म लेना पड़ा और नया जन्म लिया तब फिर विश्वास ने उसको पकड़ा। कहाँ जन्म लिया? पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री होना मतलब क्या है कि पर्वत कैसा होता है, स्थिर अडग होता है, मतलब कि श्रद्धा हमारी अडग होनी चाहिए। जब श्रद्धा अडग होगी तब ही प्रभु हमारा हाथ पकड़ेगा, है? तब हमारा हाथ तब पकड़ेगा प्रभु, ऐसे नहीं पकड़ेगा। हमारी श्रद्धा कभी क्या हुई इस संसार में तो क्या है भाई देखना, इस संसार में वैसे तो दुनिया के लोग ऐसे होते हैं कि जहां पर अपना काम भी नहीं पूरा है तो वो भगवान को भी डॉक्टर की तरह बदलता रहता है, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये उसका वो हमारा बराबर काम नहीं करता है, उसको पकड़ो, है उसको पकड़ो। और कई लोग ऐसे होते हैं, जब एक भाई की पत्नी घर से निकल गई, खो गई, तो वो सोचने लगा कि अब कहाँ जाए, बहुत वो उस दोनों में टकरार हो गई थी तो उसने सोचा कि अब तो मैं चली ही जाऊं। तो उसने अपने मित्र को कहा कि भाई ये हो गया है, वो चली गई है, कहाँ गई मालूम नहीं। उसने बोल दिया था अपने, जब लड़ाई झगड़ा होता है बीबी में, मियां बीबी में, तब क्या होता है अपने मुड़ में होते हैं, अच्छा चली जा, जा तेरे बिना नहीं चलेगा ऐसा मानती है, जा। तो उसने सोचा तो मैं चली ही जाती हूँ, देख लेना। वो चली तो गई, उसने सब जगह तपास की, 8 सप्ताह पूरा हो गया, 15 दिन हो गया, फिर उसने सोचा कि चलो अब तो पुलिस को भी जान करे, पुलिस को भी जान किया, पुलिस ने कहा मिलेंगे तो बताएंगे, फिर सोचा कि ऐसे ही नहीं मिलेंगे, तो फिर वो गया भगवान के मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाकर वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु वो कितना दिन हो गया अभी नहीं आई, आप जरा मुझे हेल्प कीजिए, क्या करें। पुजारी ने 5 रुपया निकाला और दिया, रिक्शा ले ले, सीधा चला जा, बाई ओर जाना, दाई ओर जाना, और हनुमान जी का मंदिर आएगा, तेरी ये फरियाद है ना
वहां लिखवा देना, क्योंकि पत्नी ढूंढने का काम उसका है। जब उनकी खो गई थी तो वो ढूंढने उसकी खो गई थी तो वो लेके आया था, उसको बता देना। श्रद्धा अडग होनी चाहिए। वैसे हमारी हिलती जुलती श्रद्धा रहती है तब भगवान भी हमारा हाथ नहीं थामते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि परमात्मा कोई पार्टिकुलर कोई व्यक्ति रूप में नहीं है या फिर कोई एक स्वरूप के रूप में नहीं है, वह तो हमारी श्रद्धा के वश होकर भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया, वो हमारी कल्पना है। लेकिन परमात्मा एक उस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक परम चैतन्य स्वरूप है, उसकी शक्ति को हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी श्रद्धा अडग होनी चाहिए, अडग होनी चाहिए। और इस अडग श्रद्धा को याद करते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र निर्मल होकर उसको याद करता है तब अवश्य प्रभु का अनुभव हम कर सकते हैं। श्रद्धा के बल से हम उसका अनुभव कर सकते हैं, श्रद्धा के बल से जब हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण निर्मल होना मतलब क्या है, कैसे किया जाए? ऐसी कोई गोली दवाई मिलती है, मेडिसिन है कि हर रोज एक गोली ले लेना हमारा अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाएगा? है कोई दवाई? नहीं है। है कोई ऐसी चीज, कोई साधन है ऐसा? हम घर में वैक्यूम करते हैं तो घर साफ हो जाता है, ऐसा कोई निकाला है वैक्यूम? कोई इंजीनियर ने, कोई टेक्नीशियन ने, कोई वैज्ञानिक ने कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए? ऐसा कोई साधन भी नहीं है, ऐसी कोई चीज भी नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन भी नहीं है, ऐसा कोई लिक्विड भी नहीं है कि हम उसका यूज करें और हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। क्या है अंतःकरण? क्या है स्थिति अंतःकरण की? तो प्रभु जी गुरुदेव कहते थे कि बेटा अंतःकरण वह भाग है, वह स्थान है हमारे भीतर का, जो बुद्धि का पार्ट, जिसमें ना कोई कपट है, ना कोई छल है, ना कोई दंभ है, ना कोई क्रोध है, कोई विकार, निर्विकारी स्थिति अंतःकरण, बुद्धि का वह भाग जो निर्विकारी स्थिति का होता है उसका नाम है निर्मल अंतःकरण, उसका नाम है निर्मल अंतःकरण। और वह निर्मल अंतःकरण से जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वो डायरेक्ट डायलिंग होता है, तब हमारा डायरेक्ट डायलिंग होता है। वैसे तो हम भगवान के पास बैठे हैं, घंटी बजाते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, जो कुछ भी गाते हैं, मंत्र श्लोक जो भी बोलते हैं, वो उसमें केवल हमारी क्रिया है, वो हमारी क्रिया है। क्रिया से हमें आगे एक कदम ले जाना है हमारे अंतःकरण की शुद्धि की तरफ, और उससे हमें प्रभु को पुकारना है, उससे हमको प्रभु को पुकारना है। और जब इस स्थिति में जाकर हम प्रभु को पुकारते हैं तब हमारी आंखों से पानी बहने लगता है, क्योंकि ये भीतर की स्थिति बदलती है। अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है और उस समय में जब हम प्रभु को पुकारते हैं तब आंतरिक स्थिति में बदलाव आता है, और आंतरिक स्थिति में जो बदलाव आता है तब वो स्त्राव बहना शुरू हो जाता है, वह मिलन की स्थिति बन जाती है, वह मिलन की स्थिति बन जाती है। जब तब उसी समय में हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है उसका हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, वह स्थिति प्रभु की मिलन की होती है। और वह स्थिति में एक बहुत भगवान को दिल से चाहने वाला एक फकीर समुद्र के किनारे पर रेत में चलता चलता, हर रोज उनका एक क्रम था, बिल्कुल निर्मल स्थिति हृदय के भीतर की बन जाती थी, और वो ऐसी स्थिति में समुद्र के तट पर वो रेत में चलता चलता, सूर्य उदय का जब समय होता था तब वो चलता चलता निकलता था, वो महसूस कर सकता था मेरे साथ में, वो अकेला चलता था लेकिन फिर भी उसके जो पांव के चिन्ह पड़ते थे, पद चिन्ह, उस पद चिन्ह के पास में दूसरे पद चिन्ह को वो देखता था, वो अनुभव करता था कि मेरे साथ मेरा प्रभु चल रहा है। और चलते चलते वो ऐसे अपनी स्थिति में बातें भी उससे करता था, और वो चलता है पास में वो महसूस भी करता था, और उसमें वो इतना आनंद में खो जाता था। कुछ स्थिति में एक जगह पर बैठता था और
आनंद मग्न होकर उस स्थिति में जितना समय वो रमण कर सकता था वो रमण करता था। फिर वो स्थिति जब अपनी पूरी हो जाती थी तो वो अपने घर चला जाता था, अपना नित्य क्रम बना था। वो हर रोज ऐसी स्थिति में रहता था, फिर वो अपने घर गृहस्थी संभाल। जरूरी नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा जरूरी नहीं है कि प्रभु को पाने के लिए हमें घर को छोड़ना पड़े। हमारा हमको कई लोग ऐसे पूछते हैं कि आपका आश्रम कहाँ है, आपको तो आप तो ब्रह्मचारी होगी, आप तो ये होगी। हमने बता दिया कि भाई हमारे गुरु भी गृहस्थी थे और उसका करोड़ों का गायत्री परिवार भी गृहस्थी है। हमारे गुरुदेव ने साबित कर दिया कि गृहस्थ में रहकर हम प्रभु को पाने पाएंगे। और कई सारे ऐसे हमारे परिजन भी हैं वो गृहस्थ में रहकर भगवान की बहुत दिव्य स्थिति अनुभव कर सकता है। स्थिति को निर्मल बनाओ, भीतर की स्थिति को निर्मलता। जैसे जैसे हम सत्य के नजदीक जाएंगे कपट छूट जाएगा। अब जो नहीं हो सकता है कारण क्या है, पट पे पट कपट 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 इतना होता है। जब हम अपने ही आत्मा के ऊपर धूल डाल डाल कर उसको दबा दिया है, फिर कैसे हमें मिलेगा, फिर उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। वह स्थिति को हमें प्राप्त करना है। जैसे ये फकीर वो अपने गृहस्थ में रहता था, अपना काम भी करता था, जिसको देखकर दुनिया वालों को ऐसा लगता था कि वो तो साधारण सा कोई है, साधारण सा है। जिसने भी भगवान को पा लिया वो उसका रहना उसके शरीर से कोई अलग स्थिति नहीं होती है, जैसी साधारण स्थिति रहती है, लेकिन वो आंतरिक स्थिति है जो प्रभु को पा लिया। नरसिंह ने पा लिया, मीरा ने पा लिया, शबरी ने पा लिया, ये केवट जो जंगल में रहता था उसने भी प्रभु को पा लिया। स्थिति कैसी थी, साधारण मनुष्य की जैसी थी। उसकी कोई भीतर की स्थिति बदली थी, लेकिन बाह्य स्थिति में कोई हम देखकर नहीं जान पाएंगे कि उसने प्रभु को। बाहर की स्थिति को देखकर हम कभी भी नहीं ये गेस कर सकेंगे कि उसने प्रभु को पा लिया या फिर ये प्रभु के कितने निकट है। वो तो आंतरिक स्थिति की बात है, इसलिए दुनिया वाले नहीं जान पाते। ऐसे फकीर को भी कोई नहीं समझ पाता था, उसको नहीं जान पाता था, वो साधारण सा वो अपना काम करते थे और अपनी ग्रह गृहस्थी चलाते थे। एक बार ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ कि इस फकीर के घर के लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, समाज के लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया, अपने मित्र मंडल में भी सब उसको धिक्कारने लगे। तब वो सबकी स्थिति बदलती हुई देखकर एक बार जब फकीर स्थिति में चलता था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगा और कहने लगा कि अरे प्रभु, मैं समझता था कि अरे दुनिया मुझे लात क्यों ना मार दे, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ चलता है, इसलिए मुझे दुनियादारी की कोई फिकर नहीं है। चाहे दुनिया भाड़ मिल जाए, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रभु कि मैं 3-4 दिन से जब मैं चलता हूँ तुझे इतना हृदय से भाव से याद करता हूँ, लेकिन मेरे पद चिन्हों के साथ तेरा पद चिन्ह नहीं है। आज मैं तुझे फरियाद कर रहा हूँ कि तूने भी मुझे छोड़ दिया। दुनिया ने तो मुझे नहीं जाना, नहीं समझा, इसलिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं इतना दुखी आज इसलिए हूँ, दुनिया ने छोड़ा तो मैं दुखी नहीं था, क्योंकि दुनिया का साथ तो एक ना एक दिन छूटना ही है। अपनी स्थिति ऐसी बनी थी कि ये तो छूटने वाला है, वो अच्छा बोले तो भी भले और बुला बोले तो भी भले, वो उनका कल्याण हो। लेकिन आज मैं ये स्थिति देख रहा हूँ 3-4 दिन से कि आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुखी हृदय से जब वो भीतर से इतना दुखी होकर भगवान को जब फरियाद कर रहा था, सूर्योदय की स्थिति थी, तब सूर्योदय की वह स्थिति उस दिशा में से आवाज आई और आवाज में भगवान ने उसको कहा कि अरे बेटा, तू ये कैसे मान लेता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया। हाँ प्रभु, मानो नहीं तो क्या, हर रोज मेरे पद चिन्ह के साथ आपके भी पद चिन्ह में महसूस करता था, इसलिए मैं इतना खुश था कि भगवान तो मेरे साथ हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से आप मेरे साथ नहीं चल रहे। तब जब गेबी आवाज में भगवान ने, ये भी आवाज का मतलब है कि भीतर से भीतर की आवाज, आत्मा की आवाज, वो आवाज में भगवान की आवाज सुनाई दी। भगवान ने कहा कि बेटा, जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, तू अकेला होने लगा, तू महसूस करने लगा
कि मेरे पास भगवान तो है, तुझे पूरा विश्वास था, तुझे पूरी श्रद्धा थी, श्रद्धा से तूने मुझे याद किया और आज याद करता रहता है, इसलिए मैं तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन जब तूने ऐसा महसूस किया कि मैं अब अकेला हो गया, उसी ही क्षण में मैंने तुझे उठा लिया है, इसलिए तेरे पद चिन्ह के साथ मेरे चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। बेटा तुझे दो चिन्ह दिखाई देते हैं, वो तेरे नहीं है, वो पद चिन्ह तो मेरे हैं, वो पद चिन्ह मेरे हैं। कहने का मतलब है कि जब भीतर की श्रद्धा को हम इतनी ऊपर उठा लेते हैं, तब हमें गिरने का कोई भी डर नहीं रहता है, निर्भयता। श्रीमद् भागवत में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने बताया कि भगवान की कथा सुनना, भगवान का स्मरण करना और भगवान की याद में अपने को खो देना, इसका मतलब क्या है? हमें क्या मिलेगा? इससे हमें क्या मिलने वाला है? निर्भयता। हमें निर्भयता मिलेगी। अभय वरदान प्रभु देते हैं, अब तुझे गिरने का कोई अवसर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे पकड़ने वाला तेरा भगवान तेरे साथ है। बेटा ये पद चिन्ह तेरे नहीं है, ये पद चिन्ह मेरे हैं। बस अपनी श्रद्धा को इतनी बढ़ाओ, दुनिया का कोई हमें भरोसा नहीं है, दुनिया हमें साथ देगी या नहीं देगी, लेकिन भगवान हमें साथ देगा। इसलिए कहा गया है अपना जो श्रद्धा के स्वरभूक है ना, उसमें जो भजन है पेज नंबर 101, जे घर में बैठा है ना, 101 101 उसके आगे पीछे होगा, निकाल लो। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते Yeah।
ऐसा है कि कभी भी उसका जेब भरती नहीं है, जितना भगवान देते हैं उतना उसको कम ही पड़ता है, और दे और दे और दे, है ना। वो भगवान इतना देता है तो भगवान की कथा सुनना, भगवान का स्मरण करना, अगर किसी ने बता दिया कि ये जो अभी जो समय चल रहा है ना, वो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, गायत्री जयंती का दिन आएगा, ओ ये है जेठ जेठ महीने की नवरात्रि चल रही है, जेठ महीने की नवरात्रि चल रही है, भगवान का स्मरण करना चाहिए। चलो तो हम 2-3 घंटा भगवान का जाप करेंगे, मंत्र जाप करते हैं, धुन करते हैं। फिर बोला तो कोई कहेगा कि इतना 3 घंटा कैसे बैठ सकेंगे, इतना दिन इतना समय कैसे हम नाम ले सकते हैं, तो हमें लगेगा कि इतना नहीं हो सकता है, अच्छा उसमें थोड़ा कम कीजिए। कम करते करते हम कहाँ पहुंच जाते हैं, अच्छा चलो बैठ जाते हैं, आधा घंटा बैठेंगे फिर समाप्त कर देंगे, या फिर घंटा बैठेंगे फिर समाप्त। हम जो भगवान के लिए हमें करना चाहिए उसमें हम थोड़ा कम करना जानते हैं, लेकिन भगवान अगर देता है तो भगवान को हम कहते हैं कि कम मत करना, जितना दे सके उतना देते ही रहो, क्योंकि हमारा तो हमारी जेब तो भरने वाली नहीं। इस दुनिया के लोग ऐसे हैं कि एक जेब से काम नहीं चलता है तो कितनी सारी जेब रखते हैं, है? अभी तो वो पैंट भी ऐसा मिलता है कि कितना सारा
कितना पॉकेट, और वो कोट पहनते हैं उसमें भी कितना पॉकेट, कौन से पॉकेट में क्या रखा है याद नहीं रहता, वो खोजता ही रहता है। और क्या होता है फिर, खोजता रहता है और अपना समय पूरा हो जाता है। वो पंप से वो चलता है ना, कई लोगों को ऐसा होता है कि वो पंप लगाता है तब वो सांस ले सकता है, वो ऐसा रोगी होता है, तो दम का जो रोग होता है अस्थमा, और वो पंप रखता है साथ में, वो कोट पहना था कौन सी जेब में रखा मालूम नहीं, हाँ हाँ करने लगा और पंप मिला नहीं और उसका राम नाम सत्य हो गया। क्या करा, क्या हुआ, इतनी सारी जेब रख के हमने क्या पाया है? और ऐसे तो बैंक भी, जितनी बैंक है उतने उसमें हम खाते खुलवा के रख देते हैं, सब बैंक में खाता खुलवाया लेकिन भगवान की बैंक में खुलवाया कि नहीं खुलवाया ये मालूम नहीं है, उसकी बैंक में खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया। जब उसकी बैंक में हमने खाता खुलवा दिया है, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, 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 जो कोई ऐसी करनी करता वैसा ही सब खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। क्या राजा क्या रंगपति, क्या राजा क्या रानी, सबकी कर्म कमानी, बड़े बड़े बजमा करका हो, बड़े बड़े बजमा करका सही का गल गाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन गाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन गाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन गाता। जो भी हम कर्म करते हैं वो सब वहाँ होते हैं, अच्छा किया तो भी और बुरा किया तो भी, प्लस माइनस नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कि इतना खराब हो गया तो थोड़ा इतना अच्छा कर लो तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं, अच्छे का फल अच्छा बुरे का फल बुरा मिलने ही वाला है। जो बीज बोया उसका फल हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसलिए संतोष नहीं है हमें, इसलिए भगवान से कहते हैं कि दे दे दे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा भगवान अगर हमें देता है तो क्या हम भगवान से ये नहीं सीख सकते हैं कि हमें भी कुछ देना चाहिए। ये संसार, गुरुदेव का कथन था कि बेटा भगवान कहाँ है, ढूंढने के लिए क्यों निकलते हो, ये दुनिया पूरी दुनिया पूरा संसार भगवान का जीवंत स्वरूप है, उसको ही भगवान का जीवन स्वरूप मानो और इस संसार में अच्छे कर्म के लिए जो भी हो सके वो अपने आप से करने लगो। मुझे बहुत आनंद होता है कि अपना जो यहाँ भले छोटा सा है लेकिन अपना जो ये परिवार है और ये परिवार पूरा मिलके इतने अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ पर इतने बिजी शेड्यूल में भी स्कूल चलाना, और अभी जो कल बहन जी ने बताया था कि हम जो ओल्ड लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, उसको हम एकत्रित करते हैं और उसको हम आनंद दिलाने का, ये क्या है, भीतर में जब देवत्व तो जग जाता है। हमारे मफत भाई ने बताया कि अब हम ऐसा भी कुछ कर सके, हमारे जो केंद्र है डबोई में वहाँ पर अभी हमने जो अनाथ बच्चिया है उसको गोद लेके उसका उसका पूरा काम करना, पढ़ाना लिखाना, संस्कारवान बनाना, देव कन्या के रूप में उसको अच्छी बनाना, आदिवासी विस्तार बहुत देहाती विस्तार, उसको ये भी मालूम नहीं है कि पाव भाजी क्या होती है। ऐसी स्थिति में जीने वाले खाना सिर्फ वो जुवार और मकाई की रोटी ही खाने का मिलता है, ऐसी स्थिति में रहने वाले बच्चियों को लाकर हमने जो ये काम किया, आज मफत भाई ने बताया कि अब ये भी काम आप शुरू करो तो बहुत अच्छा रहेगा, एक नया कि जो गर्भवती बहने होती है उसको अपने पास रखो वो केंद्र में 15 दिन या फिर 1 महीना, और उसको ऐसा ऐसा हेल्दी भोजन भी खिलाओ, उस सुमन संस्कार, और नित्य हमारे यहाँ जो नित्य सुबह में 5:30 बजे ध्यान, 5 बजे से आरती क्रम, 5:30 बजे ध्यान,
फिर यज्ञ का क्रम, और यज्ञ का क्रम के बाद जो होता है आगे का दर्शन का क्रम, ये भी चलता है। नित्य हमारा जो क्रम चलता है उसमें वो शामिल होगी। हल्का सा योग कराएंगे, उसको अपने हिसाब से उसको फूर भी दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर गर्भवती महिला 2 महीना होता है तब वो 1 महीना रह जाती है, तो ये पूरे 9 महीने तक उसको कैसे रहना है? अगर उसको ये आ गया तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा अगला युग सतयुग है। सतयुग की वापसी, इस सतयुग को लाने के लिए जिन आत्मा अब धरती पर उतरने की सोच रहे हैं उन आत्मा ऐसे गर्भ में आएंगे। 3 महीने में गर्भ में आत्मा नहीं आती है, लेकिन अगर उसको ये स्थिति मिल गई, प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर हमें प्लेन को उतारना है तो हमें एरोड्रम बनाना पड़ता है, हवाई जहाज हवाई अड्डा बनाना पड़ता है, हमें अगर ट्रेन लानी है तो पटरी लानी पड़ती है, बस लानी है तो रोड बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही हमें अगर देवत्व को अपने घर में धारण करना है तो ऐसी स्थिति का ये प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना पड़ता है, ऐसा कुछ प्रयोग करना चाहिए। ये जो आप सभी के भीतर में एक परमार्थ की वृत्ति जो चल रही है वो देवत्व जागृत है, ये प्रमाण है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो बताया कि हमारा संकल्प है कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले मानव में भीतर में देवत्व को जागृत। देवत्व क्या होता है? शायद इस महीने की अखंड युग शक्ति गायत्री में भी परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर ही भार दिया है। जबर उसको अपने हृदय से बोला है कि हम चाहते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ भगवान ने बनाया है, प्रकृति में जो भी है, वो क्या करते हैं? सिर्फ देना जानते हैं। वृक्ष पर फल लगते हैं तो फल लगने से वृक्ष अडग नहीं हो जाता है, देखो मैं कितना मर गया हूं, ऐसा ऊपर नहीं उठ जाता है। फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, झुक जाता है, आइए और मेरे फल ले जाइए, देना जानते हैं। बेटा नदी को देखो, वो बहती रहती है बहती रहती है, जो अपने पास जल आया वो समुद्र को देती रहती है। समुद्र को देखो, जब सूर्य नारायण भगवान तपते हैं तो समुद्र अपने पास जो जल है उसको बाफ बना के ऊपर दे देते हैं। जब उसको ऊपर दे देते हैं तो जल का बादल बन जाता है। बादल क्या करते हैं? वो बादल ऐसा नहीं सोचते हैं कि अब तो मैं जल से भर गया हूं, अब तो मैं कैसा हो गया, अब मैं सबसे महान हो गया, मैं जल वाला नहीं। वो जल को हर जगह पर बिखर जाता है और बरसा देते हैं। प्रकृति की हर एक चीज अगर देना जानती है तो मैं ये कहता हूं कि मानव क्यों भूल गया कि हमें भी इस संसार में देना ही है। जो देते हैं वो देवता हैं, जो लेते हैं ले बढ़िया बन जाता है, जो लेना ही जानता है। हम क्या करते हैं भगवान को, प्रभु हमें दे हमें दे हमें दे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अमृत कलश नाम की पुस्तिका में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि भगवान हमारा पड़गा है, पड़गा है ना। भगवान के मंदिर में जाकर हम जो भी बोलेंगे ना तो गुंबद से पीछे आएगा, आएगा ना, वो अपना ही आवाज हमें फिर से सुनाई देगा। भगवान हमें दे हमें दे हमें दे, तो आवाज आएगी हमें दे हमें दे हमें दे। भगवान तूले तूले तूले, तो वो भी बोलेगा तूले तूले तूले, तू बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो वो बोलेगा ऊपर से आवाज आएगी तू बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तू बेकार है बेकार है बेकार है, तो वो हमें भी कहेगा तू बेकार है तू बेकार है। भगवान पड़गा जैसा है, इसलिए भगवान के पास जैसा भी हम रिलेशन रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमको भर देंगे। इसलिए इस संसार को भगवान की जीवंत कृति मान के इस संसार की ही सेवा में अपना कुछ योगदान प्रदान करें। जैसे ही हमने भगवान को, हमें आनंद चाहिए तो दूसरों को आनंद देना शुरू कर दो, हमें आनंद चाहिए तो दूसरों को आनंद देना शुरू कर दो, आनंद मिलता ही रहेगा। हमें शांति चाहिए और घर में शांति से बैठते नहीं है, किसी को बैठने देते हैं नहीं, और फिर कहते कि हमें शांति चाहिए, कैसे मिलेगी शांति? घर में उत्पात मचाते हैं, जब से घर में आते हैं तब सबके घर के सब व्यक्ति अटेंशन में आ जाते हैं, अब आ गया, न शांति से बैठता है न किसी को बैठने देता है, और फिर कहता है कि हमें शांति चाहिए, कैसे शांति मिलेगी? अरे शांति चाहिए तो सबको शांति दो, तुझे जो भी चाहिए, गुरुदेव ने यह नियम बताया था कि बेटा तुझे जो भी चाहिए दुनिया में बांटना शुरू कर दो, आपको वो मिलेगा, आपको वो मिलेगा। और भगवान की दी हुई चीज है ये,
उसे पैसा खर्च करना पड़ता नहीं है। दुनिया की चीज हम लाते हैं तो उसको उसको लेने के लिए हमें पैसा की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान की दी हुई चीज को हम अगर बांटना चाहेंगे तो हमें पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ बांटना ही जानना है। और पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा हमने इस परिवार को बनाया प्रेम के आधार पर बनाया, हमने प्रेम बांटा, हमने प्रेम बांटा, प्रेम की नींव से हमने ये भवन का निर्माण किया है, मिशन का निर्माण किया है। इसलिए पूरे संसार में से हमें क्या मिल रहा है बेटा, प्रेम मिल रहा है, प्रेम को हमने बोया है, हमने प्रेम को बांटा है, तब सभी जगह से हमें प्रेम मिल रहा है। और प्रेम बांटने के लिए अपना कुछ होता है वो खोना पड़ता है। प्रभु जी गुरुदेव कहते थे कि बेटा प्रेम बांटना, प्रेम बांटते हैं तो ऐसे थोड़ा प्रेम बांट दिया जाता है, प्रेम बांटते हैं कैसे बांटते हैं, हमारे पास कई सारे लोग आते थे और कितने दुखी होकर आते थे कि गुरुदेव देखो हमारे घर में ये हो गया ये हो गया, तब अब वो दुखी होकर आया है, रड़ता रोता हुआ आया है, तो रोते हुए को अगर हमने हंसता हुआ जाना चाहते हैं कि वो हंसता हंसता जाए अपने घर और आनंद से रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, तब हमने जो भी हमारी तपश्चर्या की है उस तपश्चर्या में से एक हिस्सा निकालना पड़ता है हमें, और उसके सुख के लिए उसकी जो सब उसकी जो विपत्ति है, उसकी जो परिस्थिति बदली हुई है, उसको ठीक करने के लिए हमें अपने तप का योगदान उसके पीछे लगाना पड़ता है, तब वो सुखी और आनंदित होकर जाता है। हमने सबको दुखी देखना नहीं जाना, इसलिए हमने सबको सुखी बनाना चाहा, आनंदित होकर जाए ऐसा सोचा, इसलिए हमने जो भी कितने कष्ट से हम कर सकते हैं ना बेटा, हमें 7-7 घंटा जप करना पड़ता था। गुरुदेव ने अपने दर्द की वेदना बताई है, हमें 7-7 घंटा जप करना पड़ता था, जप करने के लिए हमें 7 घंटा बैठना पड़ता था, रात में 1 बजे हमें उठ जाना पड़ता था, तब हम 7 घंटा जाप कर पाते थे। जाप करने के लिए हमने कभी भी हमारे जीवन का जो दिन का समय था उसमें हमने कभी भी कटौती नहीं की है, हमारे जीवन में हमारी निंद्रा हमारी रात की जो कटौती हमने करी और हमारे सुख की कटौती करी और फिर उसमें हमने जाप किया और उस जाप में से हमने हिस्सा निकाला और हमने सबको बेटा प्रेम बांटने के लिए अपने कष्ट से अपने जो हमने जो प्राप्त किया है वो हमें देना पड़ता है, प्रेम ऐसे नहीं बांटा जाता है, कष्ट अपने हमने जो कष्ट लिया उस कष्ट को हमें बांटना पड़ता है, उस कष्ट को हमें देना पड़ता है। और हम आपको आपसे इसलिए विनती करते हैं कि बेटा आप हमारा काम नहीं कर सकोगे, आप अपना थोड़ा समय निकाल नहीं सकोगे, बेटा आपने जो संपत्ति प्राप्त की है उसमें से थोड़ा हिस्सा नहीं निकाल सकोगे, बेटा आपके पास जो प्रतिभा है आप अच्छा अगर विचार लेकर किसी को दे सकते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, हम आपके पास इतना मांगते हैं तो आप कहते हैं कि गुरुदेव क्या करें, हम भी जानते हैं कि ये काम करना चाहिए लेकिन हमें समय नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हम इतना जॉब करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना वो करते हैं। बेटा आप हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि ये जो चाहिए वो चाहिए और हम जो कहते हैं तो आप अपना बताने लगते हो, तो बेटा अगर हमारे लिए किसी ने कुछ किया है तो हमें भी उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए। बेटा हमारे गुरुदेव ने हमें जो किया कहा हमने किया, हमें न्याय कर दिया, आप भी अगर ऐसा कुछ भी थोड़ा कुछ कर लोगे तो आप भी जीवन में निहाल हो जाओगे, जो जुड़ जाता है वो निहाल हो जाता है, जो छूट जाता है वो बेहाल हो जाता है। बेटा मैं आपको जुड़ने के लिए बोल रहा इस महान सत्ता से, इस परम सत्ता से, इस संसार में ही विद्यमान वह स्थिति स्थित परम कृपाणु परमात्मा जो सर्व में व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से हुई प्रकट में जाना, प्रेम से सबके साथ प्रेम से अपना बर्ताव शुरू कर दो, हो सके उतना कर लो, जबरदस्ती नहीं है, हो सके उतना कर लो, तब प्रभु अवश्य आपकी श्रद्धा को भी बढ़ाएगा, आपके भीतर में भी आपके साथ चलने के लिए भी भगवान तैयार हो जाएंगे, जैसे उस फकीर के साथ चले, हमारे साथ भी ऐसे ही प्रभु चलते रहेंगे। हमें अवसर दिया है, प्रभु जी गुरुदेव कहते थे कि बेटा इस मानव जन्म को देकर भगवान ने हमें अवसर दिया है, एक मौका दिया है, एक तक दी है, अगर इस तक को इस मौके को हमने गवा दिया
तो फिर दोबारा ये मौका मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये मौका दिया है, अब ये मौका मिला है तो हमें उसको बराबर अच्छी तरह से अपने जीवन को बराबर बना देना चाहिए। बेटा एक मौका मिला है, गुरुदेव इस मौके की बात को याद करके एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे कि जब एक नगर में ऐसा नियम था कि जब इस नगर में जो भी नगर की कोई व्यक्ति को राजा बनना हो तो वो बन सकते हैं, लेकिन उसको 10 साल तक राज्य का कार्यभार संभालना है, फिर 10 साल के बाद उसको निर्जन टापू में छोड़ दिया जाता है, 10 साल तक उसको राजा की भांति जीना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि चलो 10 साल के लिए राजा तो बन जाए, राजा बन के जीना भी एक बहुत मजा है ना, एक आनंद है, एक अलग सा जीवन है। जो जो अपने मूड में आते थे वो राजा बनने के लिए जाते थे, 10 साल में बहुत अच्छी तरह से राज संभाला, खाया पिया बहुत आनंद किया, राज घराना का सुख भोग सब कुछ आनंद लुटा, लेकिन 10 साल के बाद उसका प्रतिनिधि आते थे और निर्जन टापू में उसको छोड़ देते थे, वहां अकेला रहना पड़ता था। फिर बाकी की जो जिंदगी थी उसको अकेले अकेले उस जंगल में पशु पक्षी और प्राणी की भांति उसको जीवन पूरा करना पड़ता था। उस दुख को वो याद नहीं करता है, लेकिन 10 साल के भोग को याद करके वो राजा बन जाता था। लेकिन उस नगर में एक ऐसा भी सज्जन था, वो संत के समागम में हर रोज जाया करता था, इसलिए संत समागम से उसने जो भी श्रेष्ठ विचार लिए थे, उसने सोचा कि इस नगर से कई सारे लोग राजा बने और न जाने उसकी क्या स्थिति होगी, मालूम नहीं, घर परिवार यहाँ पड़ा रहता है, वो अपने परिवार के लिए सेफ सब कर जाता है, अपने जीवन अच्छा चलाए इसलिए, लेकिन फिर उससे वो बिछड़ जाता है। उसने सोचा कि मैं भी इसका कोई अच्छा इलाज ढूंढूं। उसने एक बार जब आई स्थिति तो बोला कि मैं राजा बनूंगा। वो राजा बनने के लिए आया, सबने उसका राज तिलक करवाया, संत गुरु को बुलवाया, अच्छे मंत्रों के साथ राज तिलक करवाया, राज मुकुट पहनाया, फिर स्थिति जो थी, प्रधान थे, मंत्री थे, जो भी थे सेनापति, उसने बताया कि ये काम चल रहा है, ये काम आपको आगे चलाना है। राजा बना, उसने पहला काम किया कि मेरे नगर में कौन सी जरूरत है, उसने अपने नगर की जरूरियात जो थी उसका काम दूसरे ही दिन से शुरू करवा दिया। सब ग्रामवासी नगरवासियों को आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि प्रजा का सुख बढ़ सके, प्रजा को आनंद मिल सके, प्रजा अच्छी तरह से अपना जीवन जी सके, वही सच्चा राजा होता है, क्योंकि वो सत्संग में जाता था। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने भगवान की ही बात करता है, सत्संग का मतलब तो ये है, सच्चा संग तब कहा जाता है जब हमें जीवन की सभी तरीके की बात हमें अच्छी तरह से निभाने की बात, नैतिक मूल्यों का जो सार है वो हमें सत्संग में मिलता है। उसने सब विचार लिया थे इसलिए उसने ये काम शुरू करवा दिए। फिर उसने सेनापति को पूछा कि जब ये 10 साल के बाद यहाँ से राजा को जो विदा देते हैं वो कौन सा स्थान है, मुझे वहां ले जाओ। वो राजा बना, तीसरे दिन में वो वहां जाने की सोचा, वो सब रथ सवारी किया और एकदम दूर जंगल निर्जन था वो टापू, वहां पर सेनापति उसको ले गए। कई साल कई दिन तक उसकी यात्रा चली तब वो वहां पहुंचे। सेनापति ने बताया कि ये जो स्थान है यहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, तो वहां देख के आए और वहां का जो निरीक्षण किया कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, फिर वो वापस आकर ऐसा प्लान बनाया कि यहाँ से वहां जाने की अच्छी पक्की सड़क बनवा दी, बनाने का प्लान बना दिया। वहां पर यहाँ से कई सारे लोगों का इतना अच्छा भवन बनाया, इतने अच्छे मकान बनाए, कई सारे बाग बगीचे बनवाए और यहाँ से कई सारे लोगों को वहां रहने के लिए जगह दे दी, जमीन दे दी, या यहाँ रहिए, यहाँ की जमीन को संभालिए, खेती बाड़ी करिए। जो जंगल था उसको अपने एक अच्छा सा नगर के रूप में निर्माण कर लिया कि जहाँ 10 साल के बाद उसको जाना है, 10 साल के बाद जहाँ जाना है वो जंगल नहीं रहने दिया, उसने वहां पर बहुत अच्छा नगर बसा दिया, कितने सारे लोग बसा दिए, कई सारा इतना ऐसा उसका विकास कर दिया कि अब हर एक व्यक्ति नगर वाले ऐसा चाहते थे कि हमें भी नए नगर में जगह मिल जाए।
दस साल ऐसे ऐसा विकास करने में कैसे गुजर गया मालूम नहीं। फिर 10 साल के बाद सेनापति ने कहा कि आपका समय पूरा हो गया, अच्छा चलो मैं तैयार हूँ। अपने परिवार को भी वहां रख दिया था वो अच्छे आनंद से, और उसको आज 10 साल के बाद, जैसे 10 साल के बाद और आगे वाले राजा को जब विदा दी जाती थी तब पूरा नगर वो ऐसे हो जाते थे कि अब ये राजा चला गया, अब न जाने कौन आएगा और कैसा आएगा। लेकिन अब ये राजा चलता है तब पूरा नगर कहता है कि अब कोई और राजा को बिठाने की जरूरत नहीं है, आप ही वहां रहो और आप आके फिर संभालना और ये पूरे पूरा अच्छी तरह से आप विकास कर सकते हो। बेटा समझदार व्यक्ति होता है वो ऐसा राजा की भांति अपने जीवन में इस जीवन को एक मौका समझ के यहाँ आया है, लेकिन हमें अंत में कहाँ जाना है वो याद रखता है और वहां जाके हमें क्या करना है वो अभी से तैयारी शुरू कर देता है। जो आप लोगों ने कर दी है समझदार है, आप लोगों ने कर दी है कि हमें आगे क्या करना है, हमें क्या मिलेगा, कहाँ जाना है और कैसे रहना है, ये तैयारी आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौका आपने ढूंढ लिया है और मौका ढूंढ के आपने ऐसे काम को सफल कर लिया है। बस आपको देखकर और लोगों को भी ये मौका याद आ जाए कि यहाँ आना होता है जब अमेरिका में इंडिया से, तो इंडिया वाली नोट लेके अब तो 5,000 की भी नोट निकली है फिर भी यहाँ नहीं चलेगी, चलेगी कोई नहीं लेते। यहाँ आना है तो हमें डॉलर में उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। वैसे ही हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमें जाना तो है, लेकिन वहाँ कौन सा वो चलेगा है, वहाँ चलन कौन सा है, वहाँ कौन सा रेट चलता है, ये हमें मालूम हो गया है तो हमें अपने जीवन को इस तरीके से ढाल देना चाहिए। आप लोगों ने तो ढाल दिया है ऑलरेडी और सबको इस रास्ते पर चलाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो वास्तव में आप देव मानव के रूप में परम पूज्य गुरुदेव जैसा चाहते थे वैसे देव मानव के रूप में आप प्रत्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं। आपको देखकर औरों को भी कई सारी प्रेरणा मिले ऐसी हम गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं, और आप सभी के स्वास्थ्य के लिए भी गुरु सत्ता को प्रार्थना करते हैं कि वो समय सर वो समय तक अपना अंत समय तक ऐसे ही काम करती रहे और औरों को भी ऐसे परमार्थ के कार्य में जुड़ती रहे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। पहली प्रार्थना 3:30 बजे शांतिकुंज आश्रम में चलती है और वही प्रार्थना का मर्म एक एक शब्द का अर्थ आज वही परिजन के हृदय में उतर चुका है, इसलिए वो अपनी नहीं सोचते हैं वो औरों की सोच के चलते हैं। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उनका हर आंसु रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। आप सभी के जीवन को इतनी ऊंचाई तक देखकर खरेखर आप सभी को वंदन करने का मन करता है। आप सभी को हमारा कोटि कोटि वंदन। इस भाव के साथ आज की वाणी पुष्प को सदगुरु के चरण में अर्पण करते हैं। खूब खूब धन्यवाद हमारे नीलकंठ भाई, प्रवीण भाई, मफत भाई, जो बहुत समय से सोचते थे कि कब बहन आएंगी और कब उनके साथ बैठ के थोड़ी चर्चा होगी। गुरुदेव जो प्रेरणा देते हैं हम इस प्रेरणा को गुरुदेव की शक्ति कृपा को मानकर हम सबको बांटते रहते हैं। वैसे कोई हमारा कोई ऐसा बहुत सारा काम नहीं है, लेकिन वो जो करवा देते हैं वो हम करते रहते हैं। आप सभी के साथ बैठने का मौका मिला, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आरती का क्रम। खूब खूब आनंद है, पहला तो बधाई गम्यू ने सत्संग नो ये महिमा छे, यू नो सत्संग ये तमे संतनी साथे बैठा छो इतने सत्संग कहे छे, अने संतनी जे सुपर कॉन्शियस वाइब्रेशन छे एनो आपणे अनुभव कर्यो एक्चुअली, एटले आपणे वी फेल बेटर के आपणे अत्यारे बीजो कोई विचार नथी आवतो, नहीं भूत नहीं भविष्य वर्तमान, એટલે વર્તમાન માં છીએ, એટલે બેને આપણે એમનો તમને જે સુપર કોન્શિયસ જે છે એનો થોડો પરિચય આપ્યો,
હવે બહુ આજે નહીં કહું પણ કાલે આવતીકાલે જો તમને સમય હોય અને જો આવો તો આટલો સત્સંગ ફરીથી મજા કરીશું આપણે અને બેનનો પરિચય પણ કાલે થોડો વધારે આપીશું પણ બેન મને તો ગયા વર્ષે ફર્સ્ટ ટાઈમ પરિચય થયો ત્યાં હું ઇન્ડિયા ગયો હતો ત્યારે કથા ચાલતી હતી એમની જો કે અહીંયા જુલાઈમાં મળ્યા ત્યારે જ કહ્યું તેમને કે અમે ઘોડામાં જે મારું સાસરું થાય ત્યાં કથા કરવાના હતા એટલે મેં એ રીતે પ્લાન કર્યું કે જાન્યુઆરીની પહેલી કે હવે કથા કરવાના છે હું એ દિવસથી ત્યાં આવીશ તમારી સાથે એટલે મેં એની કથા સાંભળી એમને કથા કરતા હોય એમને ગુરુદેવના જે કામ કર્યા છે અને મેં જે બધા બધા જે ગુજરાતમાં કે બીજા રાજ્યોમાં ગુરુદેવના કામ કરે છે એમાં મને એવું લાગ્યું અને મારો એવો નિચોડ થયો કે ગુજરાત ખાતે ગુરુદેવનું કામ જો થતું હોય તો બેને બહુ સૌથી વધારે કામ કર્યું છે કારણ કે મેં બીજા બધા સંતોને અને બધા કથાઓમાં ઘણામાં જઉં છું એટલે સાંભળ્યું છે કે એ ખરેખર કામ કરે છે એમને ડભોઈમાં જે કેન્દ્ર છે એમનું રાઈટ એમાં એમને કહ્યું એ પ્રમાણે આદિવાસી બહેનોને બધો જ ખર્ચો આપીને એ ભણાવવાથી માંડીને બધું જ કપડાં ખાવાનું બધું અને બે રાખતા હોય છે અને સંસ્કાર આપતા હોય છે એમને કન્યા કૌશલ શિબિર હમણાં કરી મુંબઈમાં 37મી શિબિર હતી અને દરેક શિબિરમાં 1000-2000 છોકરીઓ એમ કે બહેનો એ એમના સાનિધ્યમાં તૈયાર થતી હોય છે અને એ પછી એ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિ જે છે એનો એમ કે ગામ ગામ એનો લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે એ બહુ મોટો ફાળો છે બહેનનો ગુજરાત ખાતે હું કહું છું એમ એટલે ઘણું બધું છે કાલે આપણે વધારે પરિચય આપીશું પણ કાલે જો તમારે આ આનંદનો વધારે માણવો હોય તો કાલે સવારે ઇવન અશોકભાઈ છે માકડિયા ત્યાં 8 મરીના ડ્રાઈવ પેચોક ઉપર સવારે 8 આવવું હોય તો બહેનની સાથે આપણે મેડિટેશન કરવાના છીએ 8 વાગે જો તમારે વહેલા ઉઠીને આવવું હોય તો અને એવરીબડી ઇઝ વેલકમ એનો એટલે આપણે વેધર સારું છે તો સી શોર છે ત્યાં જેવો જે વિલ ટ્રાય ટુ સીટ ઓન ધ સી શોર અને વેધર એવું છે તો અંદર કરીશું પણ આપણે ત્યાં અને પછી લગભગ 12 વાગે સ્વાધ્યાયનો જે હોલ છે આપણે દાદાનો સ્વાધ્યાય ચાલતો છે તેમ 12 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી આપણે લંચ કરીશું બધા સાથે એવરીબડી ઇઝ વેલકમ ઓવર ધેર ટુ યુનો અને 1 થી 1 વાગ્યા પછી બેન આપણને સત્સંગ કરાવશે લગભગ 2 કલાક જેવું યુનો ત્યાં આગળ લોંગ આઈલેન્ડ ગુજરાતી કલ્ચર સોસાયટી એ આખું ગોઠવ્યું છે એમણે કારણ કે એમના મેમ્બર આપણા ગુજરાતી મેમ્બર્સ ઘણા 350-400 છે એટલે એમને ઇન્વિટેશન ઈમેલથી કર્યું છે પ્રકુલભાઈએ આપણે બહુ સારો સાથ સહકાર આપ્યો છે એટલે આપણો બીજો કોઈ સ્વાર્થ નથી અહીંયા પણ આપણે અહીંયા અમેરિકામાં રહીને એમ કે કેવી રીતે આપણે જે થોડો સમય છે એ પ્રભુ સાથે કેવી રીતે જોડાઈએ હમણાં કહ્યું એમ કે એનો અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવાના ઉપાયો કેવી રીતે એનો સત્સંગથી અને બીજા બધા જે ઉપાય છે બેન આપણને એ રીતે માર્ગદર્શન કરે જેમ એમને કહ્યું કે રાજા 10 વર્ષ ખબર હતી કે 10 વર્ષ પછી શું થવાનું છે અને આપણા બધાને ખબર છે આપણે રિટાયરમેન્ટની વાત કરીએ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે રિટાયર થવાનો 10 વર્ષ પછી આજથી તો તમારે જરૂરી છે કે તમારું ફાઇનાન્શિયલ કે બધું પ્લાનિંગ કરવું જરૂર છે એ રીતે જ એ અધ્યાત્મમાં પણ એવું પ્લાનિંગ જરૂર છે એ આપણે બહુ સારો સચોટ દાખલો છે આપણા માટે એટલે એના વિશે વધારે આવતીકાલે આપણો સત્સંગ થશે એટલે એટલું કહીને વિરમું છું પછી આપણે ખાલી મળીશું.